brought to you by Infinix. अरे पगली, टेंशन मत ले, Infinix स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। पॉर्न की बुरी लत करोड़ों लोगों को लग चुकी है। पादरी और नन भी इससे अछूते नहीं हैं। वे भी नियमित तौर पर पॉर्न देखते हैं। पॉर्न देखने से इंसानों के अंदर राक्षसी शक्तियां घुस जाती हैं। इससे हृदय की पवित्रता खत्म हो जाती है। इस बुराई को अपने फोन से डिलीट कर दीजिए ताकि आप इसके लालच में ना फंसे। ये बयान रोमन कैथोलिक चर्च के मुखिया और वेटिकन सिटी स्टेट के शासक पोप फ्रांसिस के हैं। कैथोलिक चर्च पॉर्न पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी करता है। दुनिया भर में 130 करोड़ से अधिक लोग कैथोलिक चर्च को मानते हैं। कैथोलिक चर्च कहता है कि पोर्नोग्राफी इंसान को अशुद्ध बना देता है। इससे इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों की गरिमा खत्म हो जाती है क्योंकि वे सतही आनंद और अवैध लाभ कमाने का सामान भर बनकर रह जाते हैं। चर्च के सबसे बड़े अधिकारी होने के नाते पोप फ्रांसिस इस धारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका हाल का बयान 25 अक्टूबर का है। उस दिन वो वेटिकन में पादरियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उनसे सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर उनकी राय पूछी गई। इसी के जवाब में उन्होंने पॉर्न से दूरी बनाने की सलाह दी थी। इससे पहले वो पॉर्न को पब्लिक हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित करने की मांग भी कर चुके हैं। आज के शो में हम पोर्नोग्राफी के इतिहास पर बात करेंगे। उसके बाद चलेंगे पाकिस्तान, जहां खुफिया एजेंसी आईएसआई के डायरेक्टर जनरल ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने मीडिया के सामने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लताड़ लगाई है। समझेंगे डीजी आईएसआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी और इससे इमरान खान पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज हम पोर्नोग्राफी के इतिहास पर बात करेंगे। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, किताब या तस्वीर या फिल्म के माध्यम से कामुक व्यवहार प्रदर्शित करने की प्रक्रिया पोर्नोग्राफी कहलाती है। पोर्नोग्राफी शब्द अंग्रेजी भाषा में 19वीं सदी की शुरुआत से चलन में है। ये ग्रीक भाषा के पोर्नोग्राफोस से आया है। इसका मतलब होता है यौन कर्मियों के बारे में लिखना। शुरुआती दौर में पोर्नोग्राफी का मतलब ऐसी किसी भी चीज़ से होता था जिससे यौन उत्तेजना होती हो, ऐसा कुछ भी जो सेक्सुअली प्रोवोकेटिव हो। कालांतर में इसमें एक और अर्थ जुड़ा। इसका इस्तेमाल ऐसी संवेदनशील चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाने लगा जिसे देखकर दिमाग तुरंत रिएक्ट करता हो। पोर्नोग्राफी अपने आप में एक व्यक्तिगत मत का विषय है। ये पूरे तरीके से उसकी परवरिश, संस्कृति और उसकी मान्यताओं पर निर्भर करता है। हो सकता है जो चीज़ किसी को कामुक लग रही हो, किसी और के कल्चर में उसे सामान्य घटना के तौर पर लिया जाता हो। उनके लिए एरोटिक का ख्याल अलग हो सकता है। अर्थ समझ लिया हमने, अब इसके इतिहास में दाखिल होते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पोर्नोग्राफी आज के समाज को गर्त में लेकर जा रही है, ये हमारे समाज को खोखला कर रही है। ऐसा वीडियो कैमरा और इंटरनेट की वजह से हुआ है। ये धारणा कई स्तरों पर गलत है। कैमरे और इंटरनेट के चलते पॉर्न की पहुंच बढ़ी जरूर है, ये सब आसानी से उपलब्ध हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पोर्नोग्राफी हमारे समाज में सदियों पहले से मौजूद है, बस उसका माध्यम अलग था। लाइफ साइंस से बात करते हुए सैन फ्रांसिस्को के एक सेक्सोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट सेथ प्रोस्टरमैन ने कहा था कि सेक्स ने हमेशा इंसानों और उनके बीच के संबंधों को तय करने में अहम भूमिका निभाई है। लोगों का यौन व्यवहार हमेशा से जिज्ञासा और रुचि का विषय रहा है। माना यह भी जाता है कि जब कभी इंसानों में ये जिज्ञासा पैदा हुई होगी, तब तब उन्होंने इसे अपने माध्यम से दिखाया होगा। इसका पहला उदाहरण 25,000 साल पहले का मिलता है। पुरापाषाण काल में इंसानों ने पत्थर और लकड़ी की महिलाओं की मूर्तियां बनाई। इनके स्तन बड़े थे और ये गर्भवती थी। इसको लेकर दो तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ का मानना है कि ये मूर्तियां यौन उत्तेजना बढ़ाने के लिए बनाई गई थीं। कुछ ये भी मानते हैं कि इनकी पूजा की जाती थी, ये धार्मिक प्रतीक थी। फिर 5200 ईसा पूर्व की एक मूर्ति का जिक्र आता है। इसमें महिला और पुरुष को सेक्स करते हुए दिखाया गया है। ये मूर्ति जर्मन शिकारियों और बंजारों से जुड़ी थी। इसे पोर्नोग्राफी का पहला ठोस प्रतीक माना जाता है। कालांतर में ग्रीक और रोमन साम्राज्य ने इस तरह की अनगिनत कलाकृतियां बनवाई। उन्होंने टैबू समझे जाने वाले विषय को आम जनमानस तक पहुंचाया। इन कलाकृतियों में समलैंगिकता से लेकर सेक्सुअल फ्रीडम तक को खुलेआम दिखाया जाता था। उनके कुछ निशान आज म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। फिर भारत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कामसूत्र लिखा गया। इसे
आज भी यौन साहित्य का महाग्रंथ माना जाता है। 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण शुरू कराया। इन मंदिरों की दीवारों पर किस्म किस्म की यौन आकृतियां बनवाई गईं। कुछ मंदिर आज भी बचे हुए हैं। ये भारतीय संस्कृति के खुलेपन और उदार इतिहास की बयानी देते हैं। 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक पोर्नोग्राफी केव आर्ट्स, पेंटिंग्स, मूर्तियों और कलाकृतियों तक सीमित थी। फिर 1441 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। इसके बाद तस्वीरों को कागजों पर छापना संभव था। 1524 में रोम में मशहूर पेंटर जूलियो रोमानो की बनाई 16 तस्वीरों को कागज पर उकेरा गया। इसे पब्लिश्ड पोर्नोग्राफी का पहला उदाहरण कहा जाता है। हालांकि उस समय इसकी पहुंच सुविधा संपन्न लोगों तक ही थी, आम जनता इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। 16वीं शताब्दी आते आते फ्रांस में रोटिक उपन्यासों का चलन शुरू हो चुका था। ये चोरी छिपे किया जाता था। इस तरह की किताबों को पढ़ने या लिखते पकड़े जाने पर जेल की सजा तय थी। फिर 1748 में इंग्लैंड में एक उपन्यास छपा, नाम था मेमोयर्स ऑफ अ वुमन ऑफ प्लेजर। ये अंग्रेजी भाषा का पहला पोर्नोग्राफिक नोवल था। इसमें समलैंगिकता समेत कई टैबू टॉपिक्स पर बात की गई थी। लोगों में इसको लेकर मिला जुला रिएक्शन रहा, लेकिन लोगों ने इसे छिपकर जरूर पढ़ा। एक बरस बाद ही इस किताब को बैन कर दिया गया। ये बैन 1960 के दशक तक बरकरार रहा। इसके लेखक जॉन क्लीलैंड पर मुकदमा चलाया गया। कहा गया कि वो ब्रिटिश जनता को भ्रष्ट बना रहे हैं। फिर आता है 1826 का साल। फोटोग्राफी के आविष्कार ने इरोटिक तस्वीरों के लिए राह बनाई। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती गई, वैसे वैसे तस्वीरों की क्वालिटी बढ़ती गई और दाम घटते गए। नई नई पॉर्न मैगजीन्स छपने लगीं। इसने पोर्नोग्राफी को आम लोगों तक पहुंचा दिया। अगली सीढ़ी फिल्म्स की थी। 19वीं सदी के आखिरी सालों में फ्रांस में मूक पॉर्न फिल्में बन रही थीं। 1896 में अमेरिका में किस नाम की एक फिल्म रिलीज हुई। इसमें एक्टर्स आपस में किस कर रहे थे। इसके बारे में कहा गया, ये हवस को बढ़ावा दे रही है, सभ्य लोग इसे देख नहीं पाएंगे। फिर भी ये काफ़ी चर्चित हुई। मॉस्को में इसको बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया था। लंबे समय तक पॉर्न फिल्मों का विकास रुका रहा। क्वालिटी और कंटेंट के स्तर पर कुछ नया नहीं हो रहा था। लगभग सभी देशों में पोर्नोग्राफी पर बैन था। समाज भी खुलने के लिए तैयार नहीं था। 1970 के दशक में स्थिति अचानक से बदल गई। ह्यूज हेफनर की प्लेबॉय मैगजीन से पश्चिमी देशों में सेक्स को लेकर माहौल खुल चुका था। 1968 में डेनमार्क पॉर्न को लीगल बनाने वाला पहला देश बना। धीरे धीरे कई और पश्चिमी देशों ने भी इस विधा को वैधता दे दी। डिजिटल कैमरे और इंटरनेट की एंट्री के बाद तो क्रांति का मंच तैयार हो चुका था। 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद पॉर्न लोगों के घरों तक पहुंच चुका था। आज के समय में पॉर्न इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कॉन्टेंट्स में से है। पॉर्न इंडस्ट्री का हजारों करोड़ का कारोबार है। अधिकतर पश्चिमी देशों में पॉर्न फिल्में बनाना लीगल है, हालांकि उसको लेकर सख्त नियमों की कमी है। पॉर्न इंडस्ट्री पर निगरानी की भी कमी है। इसी वजह से कई बार इंडस्ट्री के अंदर शारीरिक और मानसिक शोषण की चौंकाने वाली रिपोर्ट्स भी सामने आती रहती हैं। जिस तरह से मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमेशा कुछ नया और कुछ अलग लाने की होड़ चलती ही रहती है। इसके चलते महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसके खिलाफ मुहिम भी चल रही है, लेकिन जब तक कानूनी स्तर पर इस पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, इसको रोकना बेहद मुश्किल होगा। एक और धारणा है, वो ये कि पॉर्न की वजह से यौन अपराध बढ़ रहे हैं। कई स्टडीज में दोनों के बीच के कनेक्शन की संभावना को खारिज किया गया है। जानकार बताते हैं कि सामान्य स्थिति में पॉर्न व्यक्ति की यौन इच्छा को जगाता है, उसे अपनी इच्छाओं को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। लोग इसे पसंद करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हालांकि जिस तरह से पोर्नोग्राफी समय के साथ इवॉल्व हुई है, उसमें हिंसा का पुट लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जरूर चिंता का विषय है। द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ के लेखक और न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन डोइस कहते हैं, 30 साल पहले तक हार्डकोर पॉर्न का मतलब यौन संबंध बनाना होता था। अब ये पूरी तरह से बदल चुका है। नफरत, हिंसा और अपमान को इसका अभिन्न हिस्सा बना दिया गया है। निश्चित तौर पर पॉर्न व्यक्तिगत पसंद, निजी मान्यताओं और कानूनी अधिकारों का मसला होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जागरूकता में विस्तार की जरूरत भी है। पोर्नोग्राफी का असली मकसद क्या था और क्या जो दिखाया जा रहा है वो सही है, इसके बारे में लोगों की समझ बढ़ाने की दरकार है। ये समय की जरूरत है। इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं पाकिस्तान, जहां पर ISI के मुखिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस खूब चर्चा में है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। आधिकारिक तौर पर ये पाकिस्तान को सुरक्षित बनाने के लिए दुनिया भर से गोपनीय जानकारियां जुटाती है। आमतौर पर इसके एजेंट्स तीनों सेनाओं से चुने जाते हैं, लेकिन
एजेंसी कभी कभी आम लोगों को भी ड्यूटी पर रखती है। आईएसआई की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके मुखिया को डायरेक्टर जनरल आईएसआई या डीजीआईएसआई के नाम से जाना जाता है। इस कुर्सी पर बैठने वाला शख्स 3-स्टार जनरल होता है। पिछले 74 बरस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि डीजीआईएसआई ने सामने आकर मीडिया को संबोधित किया हो, लेकिन 27 अक्टूबर 2022 को ये रिकॉर्ड टूट गया। आमतौर पर पाक आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजीआईएसपीआर संबोधित करते हैं, लेकिन 27 अक्टूबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, वहां मौजूद पत्रकार उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने माइक के सामने लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम को बैठे हुए देखा। नदीम अंजुम फिलहाल आईएसआई के मुखिया हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका आना कई मायनों में चौंकाने वाला है। ये घटना उस दिन हुई जिस रोज केन्या में मारे गए पाक पत्रकार अरशद शरीफ का जनाजा निकल रहा था। इमरान खान इस हत्या के लिए पाक आर्मी पर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा एक दिन बाद ही यानी 28 अक्टूबर को इमरान लॉन्ग मार्च शुरू करने वाले हैं। 21 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य करार दिया था। इसके विरोध में इमरान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। उन्हें रोकने के लिए इस्लामाबाद में जबरदस्त तैयारी चल रही है। इमरान का दावा है कि वो इसके जरिए इतिहास रच देंगे। हालांकि उससे पहले डीजीआईएसआई ने जो राज जाहिर किए हैं उससे उनकी इच्छाओं में पलीता जरूर लग सकता है। उन्होंने क्या क्या बताया? पॉइंट एक, नदीम अंजुम ने लासबिला हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए अधिकारियों को याद करते हुए कहा कि उनके बलिदान का मजाक उड़ाया गया, सेना के लिए न्यूट्रल और जानवर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये प्रसारित करने की कोशिश की गई कि सेना राजद्रोह कर रही है। उन्होंने कहा कि इन शब्दों का यूज इसलिए किया गया क्योंकि सेना ने असंवैधानिक और गैर कानूनी काम में भागीदार बनने से इनकार कर दिया था। जब इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था उस समय उन्होंने सेना को निशाना बनाकर कहा था इस दुनिया में सिर्फ जानवर ही निष्पक्ष हो सकते हैं। पॉइंट नंबर दो, नदीम अंजुम ने आगे बताया कि सेना ने पिछले बरस एक फैसला किया था। हमने तय किया कि हम सिर्फ संवैधानिक भूमिका में काम करेंगे, हम राजनीति से बाहर रहेंगे, इसी में पाकिस्तान का फायदा है। पॉइंट नंबर तीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम अंजुम ने एक और खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मार्च में जनरल बाजवा को एक ऑफर दिया गया था, उनका कार्यकाल बढ़ाने की बात की गई थी। ये सब मेरे सामने हुआ था लेकिन जनरल बाजवा ने ऑफर ठुकरा दिया। वो चाहते तो आसानी से 6-7 महीने गुजार सकते थे लेकिन उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, इसके बावजूद उनके परिवार को निशाना बनाया गया। पॉइंट नंबर चार, डीजीआईएसआई ने इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपको जनरल बाजवा देशद्रोही लगते हैं तो आप उनसे पीछे के दरवाजे से क्यों मिलते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं और दिन के उजाले में उन्हें देशद्रोही कहते हैं तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पॉइंट नंबर पाँच, डीजीआईएसआई ने पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था, वो जब बाहर गए तब भी वो सेना के संपर्क में थे। हमारी सरकार शुरुआती रिपोर्ट्स को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसलिए सरकार ने एक टीम बनाई है जो केन्या जाकर मामले की जांच करेगी। इस मामले में जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभरात्रि। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।